सलमान खान और कटरीना कैफ अपनी आने वाली फिल्म टाइगर 3 को लेकर सुर्खियों में। हाल ही में फिल्म कटरीना रिलीज हुआ था जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। वहीं अब गुरुवार को सलमान खान ने टाइगर 3 के पहले गाने का पोस्टर रिलीज कर फैंस को खुश कर दिया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर 9 सालों के बाद एक विवाद भी इस गाने के साथ खत्म हो गया। आइए जानते हैं पूरा मामला। सलमान खान और अरिजीत सिंह की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, दोनों के बीच 9 साल से तनातनी चल रही है। इस लड़ाई के बाद से ही अरिजीत सिंह को सलमान की किसी भी फिल्म में गाने का मौका नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि दोनों का झगड़ा खत्म हो गया? तो ऐसे में आपको बता दें कि अरिजीत सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में गाना गा रहे हैं। पूरे 9 साल बाद अरिजीत सिंह सलमान खान की फिल्म में गाना गा रहे हैं। साल 2014 में भाईजान ने अरिजीत को अपनी फिल्मों से पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया था। हुआ यूँ था कि एक अवार्ड शो को सलमान खान होस्ट कर रहे थे और अरिजीत सिंह ने उसमें एक अवार्ड जीता था। सेरेमनी के दौरान स्टेज पर दोनों सितारों के बीच हुआ मजाक ईगो में बदला और पूरे 9 साल तक एक दूसरे से किनारा कर लिया। एक्टर ने अपनी फिल्म सुल्तान से जग घूमेगा गाना, जिसे पहले अरिजीत ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया था, उसे डिलीट करवाया। बाद में उसी गाने को राहत फतेह अली खान को दे दिया। फिल्म के गाने से हटाने के बाद 2016 में सिंगर ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था कि उनका यह गाना फिल्म से ना हटाया जाए। साथ ही सिंगर ने माफी भी मांगी। धन्यवाद जुड़ रही ऐसे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड केसी के साथ।